चुनाव में किस तरफ बह रही है वोटरों की बयार, किसकी होगी नैया पार और किसका होगा बंडाधार। जब नेताजी को दिखाई दिया वोटरों में भगवान, तो जनता बोली हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। देखिए हमारी खास पेशकश में कैसे जय किशन मिश्र टटोलते हैं चुनावी आबो हवा का मिजाज। नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन के लिए, बिफोर प्रिंट डॉट इन के कार्यक्रम हमें पटियाने आए हैं में मैं जय किशन मिश्रा कैमरामैन सुरेंद्र के साथ आज हम आए हैं किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के बारा देवी मंदिर में जनता की राय जानने। आइए बात करते हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, और लाली पॉप के डब्बे से फुसलाने आए हैं। हमरे बलमा बेईमान। बाबूजी आपका शुभ नाम? मायसेल्फ एके सोनी। एके सोनी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी एक बहुत राजनीतिक गलियारे में एक विवाद उठ गया, यूपी वाला स्टाइल, ये शब्द बोलने पर राजनीतिक गलियारे में बड़ी गर्मा गर्मी हो गई है, आप इससे अवगत होंगे, तो क्या आपको इस पर कुछ आपत्ति है? आप एक जनता हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, तो आपको इस शब्द पर कोई आपत्ति है क्या? देखिए ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कौन क्या कह दे किसी की जवान पकड़ी नहीं जा सकती है। आदमी को अपनी मतलब की संतुलन बना के रखे, ऐसी बात बोले कि जो किसी के बुरी ना लगे। तो यूपी वाला स्टाइल कहने पर आपको क्या बुरा लगेगा? अगर बुरा बुरा गाना है कि यूपी वाला ठुमका लगाओ मेरे साथ, देखिए वो गाने वाले कुछ भी बना दे उसके हमें नहीं लेना देना, लेकिन जो एक्चुअलिटी है जो योगी ने कर दिया है वो कोई कभी ना कर पाएगा, इस चीज का मैं लकी कहता हूँ। विधानसभा चुनाव पर वोटों पर ये जो बजट आया है हमारा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? इस पे कॉर्पोरेट ऑफिस जितने हैं उनके लिए तो फायदेमंद है, सेंट्रल में मतलब की ना देखा जाए तो कॉर्पोरेट ऑफिस के वालों के लिए जो मतलब की हमारा इंक्रीमेंट होता था, बोनस होता था एंड अदर एक्सपेंसेस होते थे, सो आई मतलब की दिस मतलब की अदर्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डीए नॉट मतलब की बेसिक। तो आपका क्या रुझान रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में हम बीजेपी के समर्थक। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मतलब आपको कोई भी गिला शिकवा नहीं है? नहीं है, आपके इरादे में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, है नहीं। चलिए भैया आपका शुभ नाम? गुलाब चंद गुप्ता। गुलाब चंद गुप्ता जी, क्या करते हैं? मेरा फिनाइल कारोबार है, फिनाइल निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या राय देंगे हमें, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका रुझान क्या है? मेरा रुझान तो ये देखिए, सर्वप्रथम मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आम जनता को कि 25% रईस है, 75% गरीब आदमी है। आप कहते हैं हम दो बार राशन दे रहे हैं, ठीक है राशन से ही हमारा गुजारा नहीं होता, पेट नहीं भरता खाली राशन से, तेल 100 रुपए किलो था 200 रुपए किलो हो गया, आप स्कूटर लेके कहीं जा रहे हैं इमरजेंसी दवाई लेने, रास्ते में स्कूटर या गाड़ी आपकी पास हो गई, चौराहा क्रॉस हो गया, उस समय 100 रुपया लगता था प्लांटी, हम दे देते 100 रुपए, आज 1000 रुपए आप ले रहे हो, बड़ी गाड़ी का 5000। अरे कोई अंधेर है, कोई सीमा है, आज हमारी इमरजेंसी को या हमने रोड क्रॉस कर दिया तो आप 100 रुपए प्लांटी ले लो, ना कि 5000 ले लो। आप कहते हो कि हम सिलेंडर गरीबों का भला कर रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, किसको फ्री दे रहे हो? एक को फ्री दे रहे हो, 100 को मार रहे हो। आपने कहा 1000 सिलेंडर ले लो, सब्सिडी के रूप में वापस कर देंगे, आपने 2 बार 4 बार वापस कर दिया, उसके बाद बाद क्या किया आपने, सिर्फ आपने 1000 का उसको नेट कर दिया, कोई सब्सिडी नहीं है, तो आप इधर राशन दे रहे उधर एक ही सिलेंडर में निकाल लिया हमसे, उसके बाद पेट्रोल भी आपने महंगा, डीजल भी महंगा, बिजली की बत्ती की समस्या दिल्ली बंबई में साला जो है फ्री, सॉरी अपने शब्दों को मैं वापस ले रहा हूँ, कुछ शब्द मेरे गलत निकले हैं, दिल्ली में फ्री बत्ती चल रही, मैं कहता हूँ मुझको फ्री नहीं चाहिए, एक लिमिटेड हमारे यहाँ जो 500-700 बत्ती आती थी
आज मेरे घर की बत्ती 2200, 2500, 2800 रुपए की बिल आ रहा है। तो क्या रुझान रहेगा इस विधानसभा में? रुझान ये है कि देखिए कोई भी सरकार आए, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन इन गरीबों की समस्या, 75% गरीब है। राइस को तो आप 10,000 का सिलेंडर देंगे वो ले लेगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं, लेकिन आम जनता 75% है। आपको दारू महंगी करनी कर दीजिए, ठीक है ना, गाड़ियां महंगी करनी कर दीजिए। गरीब आदमी ना गाड़ी खरीदने जाता है, उसको क्या चाहिए, रोटी, तेल। तेल 200 रुपए किलो, तेल सस्ता करिए, सिलेंडर सस्ता करिए। बत्ती, गरीब अपने घर में बत्ती जलाना चाहता है, आप उसको 3,000, अरे वो 3,000 तो महीने कमाता नहीं, आम गरीब जनता 300, 200, 250 रुपए डेली अदा करने वाला। कुल मिला के आप असंतुष्ट हैं? मैं असंतुष्ट हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी सरकार आए कि सिर्फ गरीबों का 75% लोगों का पेट काट के रईसों का पेट भरे। चलिए भैया अपना शुभ नाम बताएंगे। भैया बड़े भाई हैं हमारे, बता रहे हैं, मैं इनके पीछे चलते रहेंगे। मैं क्षेत्र में, अब मैं क्षेत्र में जो है, जैसे क्षेत्र की समस्या बता रहा हूँ। क्षेत्र में हमारे माँ बारा देवी का मंदिर, कानपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है, आपके क्षेत्र में लाखों या दर्शनार्थी आते हैं यहाँ दर्शन करने। एक भी नल अगल बगल पानी की व्यवस्था 5 साल से नहीं है। हमारे दर्शनार्थी आते हैं, लेडीज महिलाएं मंदिर में दर्शन करने, उनको बाथरूम लगती है, तो एक भी मोहल्ले में बाथरूम में खुले में बैठना पड़ता है। आप कहते हैं मैंने शौचालय दिया, अरे शौचालय आपने दिया कहाँ? यात्री यहाँ आते हैं और गली गली बिचारी महिलाएं, पूछिए इनसे, बताइए कोई महिलाएं यहाँ अपनी बात बोलिए, बड़ी देर से बोल रहे हैं। सही बात है गुप्ता जी, सही कह रहे हैं। आइए आगे आइए, मैंने बोलिए यहाँ बाथरूम है, बताइए यहाँ कोई बाथरूम व्यवस्था है? ना बाथरूम है, ना ही व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई महिलाओं को सुविधा है, ना ही कोई सुरक्षा है मंदिर में। यहाँ पे कोई सुरक्षा भी नहीं है, अगर कोई यहाँ लड़ाई हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कोई भी यहाँ सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, और खुलेआम गुंडागर्दी है। बाबूजी आप क्या कहेंगे, अपनी राय व्यक्त करेंगे हमारे? आप आएंगे भैया? अब चाहे सर फूटे या माता, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, यारे छूटे ना। हाँ भैया शुभ नाम बताएंगे, चलिए आप बताइए, आप बोल लीजिए। ये पंछी समझते हैं, ये पंछी समझते हैं, ये गगन बदला, ये चमन बदला, पर इस दिल की खामोशी कहती है ना ये गगन बदला ना ये चमन बदला, वक्त हमारा बदला है अब। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, हमारा बदला है ना ये गगन बदला ना चमन बदला, अब ये सिर्फ जनता का वक्त बदला है, अब समय है बताने का, समझे? हाँ भाई जी, नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान में विधानसभा चुनाव है, बजट भी आया है, ऐसे में हम आपकी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो सरकार है इस समय वो सरकार बहुत अच्छी है, और जो योगी मोदी कर रहे हैं हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग भूखे मरते थे आज कम से कम खा तो रहे हैं, और रह गई प्रेजेंट टाइम में हम कह रहे हैं 10 चीज उसने सस्ती दी है, एक चीज महंगी कर दी, तो उसमें कौन सा गुनाह किया? लोग कहते हैं सिलेंडर महंगा कर दिया, कहाँ से महंगा कर दिया, पहले महीने में एक बार मिलता था, अब 2 बार ले रहे कि नहीं? जो गुंडागर्दी चल रही थी अब तो वो नहीं हो रहे, आप बताइए कहाँ से हम योगी मोदी खराब है, कहाँ से महेश त्रिवेदी है जो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 4 रोड उनने बनवा दिया, एक नहीं बन पाए, सबर करें तभी तो बनेगा, कि कोई जल्दी से पेड़ का फल हम तोड़ के खा लिया हो गया। पैसा भी पास कराने में 5 साल में सरकार आई है, 5 साल बाद 2.5 साल तो महामारी में चली गई, और 2.5 साल में कितना विकास करवा लेंगे हम, बताइए आप। बिल्कुल सही बात कही है मैडम ने, मैडम ने 110% बिल्कुल सही कहा है कि 5 साल में हम बताइए 2.5 साल महामारी में गई, और महामारी से हमारी सरकार हम लोग को बचाया, आज बोलने के लिए हम लोग को हिम्मत दी, अच्छा किया। हम सरकार को गलत नहीं बोल सकते, हम तो उनको हर पल कहते मोदी योगी को हम सलाम करते हैं, जो वो इतने बूढ़े हैं आपसे भी एजड में है मोदी जी योगी जी, वो
अपना पसीना बहा के राम मंदिर तैयार कर दिया। कोई इतना आया अतला सरकार, किसी ने ईंट रखने गया नहीं रखने गया। उसमें क्या हिंदू खा रहा मुसलमान नहीं खा रहा, मुसलमान भी मकान ले रहा हिंदू भी ले रहा, वो दुआ भाई कुछ नहीं कर रहा। हम तो कहते हैं सरकार यही रहे। चलिए ये थी हमारी बहन जी की राय, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पसीना बहाने एकदम रखते हैं तो हम खून बहाने एकदम रखते भाई। वाह वेरी गुड, हम कमल वाले हैं, कमल वाले ही रहेंगे भाई। वाह भाई वाह, बहन जी आपको हमारा सलाम है। हम मोदी योगी को सलाम करते हैं। हाँ भैया अपना शुभ नाम बताएंगे? बंटी जवान नाम है हमारा। अच्छा आप कुछ बताएंगे, कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे? देखिए जो अभी हाल ही में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में माननीय मोदी जी हैं और राज्य में जो योगी जी की सरकार है, कार को देखते हुए जो अभी हाल में महामारी जो आई थी कोरोना काल में, कोरोना काल एक ऐसी महामारी थी जिससे पूरा देश विचलित था। इस महामारी को देखते हुए हमारे प्रदेश में प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने मतलब ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम कर दिए, मतलब जो इतनी बड़ी महामारी था इसको कोई रोक नहीं पाते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इनको अपना देश भी देखना था और जो बीमारी आई थी इससे भी लड़ना था इनको, तो बीमारी से भी लड़ा और देश से भी लड़ा। और बीमारी को चलो ठीक है, भगवान करे ऐसी बीमारी कभी देश में नहीं आना चाहिए, अगर ये आई है जो वुहान से ये जो वायरस आया हुआ है। दूसरी चीज लोग कह रहे हैं कि ये मोदी और योगी की चाल है, अरे ये मोदी योगी की चाल है क्या? कोई अपने देश के लोगों को मारता है क्या? नहीं, कोई नहीं मारता है, जो देश अपना है और अपने लोगों को कोई मारता है। चलिए कुल मिला के आपका क्या रुझान रहेगा? तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, अरे लॉली पॉप का डब्बा ले फुसलाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।